कोरोना वायरस संक्रमण से अपने बच्चे को सुरक्षित कैसे रखा जाए, आइए जानते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि मलिक से। कोरोना वायरस का जहां तक तल्लक है, किसी भी किस्म की कोई ऐसी डाइट नहीं है जो कि कोरोना वायरस से हमारा बचाव कर दे या उसकी ट्रीटमेंट कर दे। लेकिन हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन फैल सकती है, तो हमें अपने शरीर को शक्तिशाली रखना है। तो हमारे को पौष्टिक आहार जो भी है बच्चों को देना है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, हरी सब्जियां भी देनी है उनको, वाइटमिन युक्त हमने सारा खान पान देना है, तो उनको हेल्दी रखना है। तो एक जनरल हेल्थ के लिए जो भी हम ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, खाने पीने में जिस तरह से भी हम बच्चों को एक पौष्टिक आहार देते हैं वो हमारे को देना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि किसी किस्म का चिकन है, अंडे हैं, जिस तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि अंडा खाने से बीमारी हो जाएगी, चिकन खाने से हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। किसी समय में ये बीमारी संभवतः किसी जानवर से आई होगी, लेकिन अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, तो आप कोई भी नॉनवेज चीज भी देते हैं तो उसको अच्छे से पका के साफ करके अपने बच्चे को आप दे सकते हैं। और प्रोटीन्स वाली चीजें जो वेजिटेरियंस हैं वो दालों वाला ग्रुप, दालें, राजमा, रोंगी, चने, छोले, ये सब आप दे सकते हैं ताकि बच्चा आपका स्वस्थ रहे।